आगामी 11 सितंबर को मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में होगा वर्कशॉप का आयोजन। 11 सितंबर को एमडीडीएम कॉलेज और आईपिन एक सोसाइटी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैरेंटेरल इंटेरल न्यूट्रिशन, इसके संयुक्त तत्वाधान में एक वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है जो उस दिन 11 बजे से महाविद्यालय परिसर में चलेगा, जिसको कि शहर के विभिन्न डॉक्टर्स, डॉक्टर विजय भारद्वाज, डॉक्टर एच एन भारद्वाज, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर के बी झा, ये लोग संबोधित करेंगे। बेसिकली ये ICU, उसके बाद CCU और जो क्रिटिकल इल पेशेंट हैं उनका कैसा न्यूट्रिशन हो, कैसे उनको खान पान करवाया जाए, इस पर चर्चा होगी। वर्कशॉप में काफी 60 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं विभिन्न जगहों से, जिसमें डाइटिशियन शामिल हैं, CND की स्टूडेंट्स हैं और दो प्रमुख डाइटिशियन है, डॉक्टर अनिला सैमुअल जो स्टेट न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है, रुबीना परवीन है जो कि पटना फोर्ट की चीफ डाइटिशियन है। और सबसे जो अच्छी बात है वह यह है कि एमडीडीएम कॉलेज इकलौता कॉलेज है जिसको कि ऐसा वर्कशॉप करवाने का मौका दिया गया है। उसी तारीख को विश्व के अन्य 20 देशों में इसी विषय पर वर्कशॉप होंगे, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, लेकिन शैक्षणिक संस्थान के रूप में सिर्फ महंत दर्शनदास महिला महाविद्यालय को यह सौभाग्य मिला है। और इससे आगे बिहार में आईपेन का बिहार चैप्टर इस कॉलेज को मिलने की उम्मीद है, जिससे कि रिसर्च के क्षेत्र में, न्यूट्रिशनल रिसर्च के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शोध हो सकेंगे।